ये मूली का पराठा बन के तैयार हो चुका है, बहुत जबरदस्त यमी सा। देखें बहुत ज्यादा यमी और मजेदार बना हुआ है पराठा, आपने जरूर ट्राई करना है। इस तरह का आपने लेना है क्रशर, ठीक है। इसका एक है साइड पतली वाली, एक है ऐसे साइड मोटे वाली। हम पतली साइड से करेंगे, इससे जो पराठे आपके फटते नहीं है। इस तरह आपने लेनी है मूली। अपने हाथों का आपने ख्याल रखना है, आपके हाथ ना हो जाए खराब। ये ली है जी मूली, हमने इस तरह से क्रश की हुई, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपको जो एक्स्ट्रा वाटर होगा मूली के अंदर, वो उससे सारा रिलीज हो जाएगा, और इस तरह से आपकी रोटी जो है वो फटेगी नहीं, और उसमें पानी वगैरह नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है। इसको हम रख लेंगे 5 मिनट के लिए। नमक लगाए हुए इसको 5 मिनट हो चुके हैं, ये सारा पानी जो इसका रिलीज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सारी मूली को इकट्ठा करके इस तरह से एक बाउल लेना है, एम्प्टी हो जो पानी हो, इस तरह से पानी इसका कर लेना है। देखिए कितना सारा पानी जो है निकल रहा है, इस तरह से जो मूली है हमारी पानी से अलग हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अपने मूली को करना है, इस तरह जो आपकी मूली है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। चलें हम इसे स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देंगे। ये लेना है आपने सॉल्ट, हसबे जायका मैंने लिया है चुटकी, ठीक है। पहले मैंने इसको नमक लगाया था, उसका टेस्ट होगा। अब लिए मैंने रेड चिली फ्लेक्स ली है, ये दो लेनी है आपने चुटकी लेनी है आपने इसकी, एक चुटकी लेनी है आपने हल्दी की, हल्दी पाउडर एक चुटकी, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा सामान रेडी कर रही हूँ। ये है पिसी हुई काली मिर्च एक चुटकी, ये ली है मैंने कूटी हुई धनिया 1 टीस्पून, ये ली है मैंने अनारदाना, थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा कर ली है, ठीक है। ये भी मैंने ली है 1 टीस्पून, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है रोटी में, मज़ेदार लगता है। ये है अजवाइन एक चुटकी, ये ली है ग्रीन चिली हाफ ले लेनी है, क्योंकि लंबी थी तो मैंने हाफ ली है, अगर छोटी हो तो आपने एक लेनी है। ये है सब धनिया, ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना डालने की आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है फ्रेश फ्रेश। हमने अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथों से ज़बरदस्त तरीके से मिक्स होती है वो किसी चीज़ से भी नहीं होती। बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल हमारा जो मूली के पराठे का मिक्सचर है वो तैयार हो रहा है। इसी तरह ही हमारे पराठे जो हैं वो भी बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। छुट्टी वाले दिन आप बनाएंगे तो आपको उसका जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है मसाला जो है आपस में मिक्स हो चुका है, और इसको जब आप रखेंगे 10 मिनट के लिए तो और भी जो मिक्सचर है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। मिक्सचर को हाफ हो चुका है। अब ये दो मैंने पेड़े बनाए हैं, एक जो पेड़ा है बड़ा है, दूसरा है वो छोटा है। इस तरह से लेना है, और आपने प्लेन फ्लोर लेना है। अभी मैं इन दोनों को उठा लेती हूँ। इस तरह लेना आपने इसको, ये लेना है आपने मिक्सचर, ठीक है। आपने इसके मीड पे रखना है मिक्सचर, और आपने बहुत तक अब भी नहीं रखना और ज़्यादा भी नहीं रखना, आपकी जो मूली का टेस्ट है वो आना चाहिए रोटी में। हम छोटे छोटे से पराठे बनाएंगे, बड़े बड़े से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में बड़े बड़े पराठे जो है पसंद नहीं करते, ठीक है। इस तरह से बस इसी तरह से हम दूसरा भी इस तरह बना लेना है इसके ऊपर डालने के लिए। इस तरह आपने करना क्या है, इसका एक एच देखिए इसके ऊपर इस तरह प्रेस करना है। इस तरह आपका जो पराठा है वो खुलता नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। चलिए जी पैन में थोड़ा सा मैं ऑयल कर दूंगी ऐड, इसको इस तरह हमने पैन में